यार छुट्टी का टाइम हो गया, दस चुका मजेदार वायर बहुत ही तेज से लग चुकी है। ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी बहुत खैर मुबारक। लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बिलाक उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जहां भी होंगे अपनी ज़िंदगी मज़े में गुजार रहे होंगे। तो यार आज सीन ये है कि आज हम दोबारा से ईद के बाद यूनिवर्सिटी लग चुकी है, यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा ही खूबसूरत है और आवाम आज कम ही आई है, लेकिन देखते हैं अभी डिपार्टमेंट अपने चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि आवाम किस तरह आई है। तो शाह साहब भी आ चुके हैं, शाह साहब सो के उठ गए हो? अच्छा तो चलें क्लास में फिर, चलें फिर जी। हमारी दो ही क्लासेज हैं तो अभी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या सीन है। क्लास में जाने लगे थे लेकिन क्लास में जाने से पहले चोई साहब को पिक करना था, तो चोई साहब चूंकि थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चेक शेक कर, ईद मुबारक चोई साहब, क्या ठीक है और सब अच्छा? हाँ जी ईद मुबारक और सब अच्छा चोई साहब, यात्री सुनाओ जबरदस्त। नहीं जी फाइनली हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है, अभी चलते हैं क्लास में। तो क्लासेज वगैरह जो है वो तकरीबन शुरू हो चुकी है। चोई साहब क्या लेके आए, ये इसमें क्या है और क्या नाल दो पेंसिल ठीक हो गया। लेनी हमारी जो चीजें हैं वो पहुंच चुकी है, अभी सीधा क्लास में चलते हैं। यार छुट्टी का टाइम हो गया, दस चुका एंड हो चुकी है तो सारे जवान खड़े हैं वेट कर रहे हैं कोई घर जाने का। ये देखो तैयब भी आ गया, तो सारे घर जाने का वेट कर रहे हैं, अभी हम भी चलते हैं घर क्योंकि बसेस वगैरह जो है वो लग चुकी है। ठीक है जो साहब फिर ठीक है इंशाल्लाह फिर मुलाकात। वालेकुम सलाम, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलने। शाह साहब आओ चलिए एंड मिल गए लो, तो तैयब भी साढ़े नाल ही, तैयब साहब मिल लो तुम भी, ओका आ जाओ ठीक है इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो यार फाइनली जो है हमारी यूनिवर्सिटी से वापसी हो चुकी है, काफ़ी जो लिफ्टें शिफ्टें लेने के बाद हम घर पहुंच चुके हैं। तो यार तुम देख सकते हो, तुम लोग देख सकते हो कि बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम बना हुआ है, लगता है बारिश होने वाली है। तो अभी हमें जो है गुजरात जाना है क्योंकि वहाँ पर हमारा जो लैपटॉप है वो ख़राब हुआ था, तो वहाँ पर ठीक करवाने जा रहे हैं, तो चलते हैं गुजरात। तो सबसे पहले जो अपना बैग उठाते हैं जी, बैग किधर गया बैग, ये रहा बैग, बैग उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ। तो ये रहा जी हमारा लैपटॉप, चार्जर को रख देते हैं इधर, चार्जर की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम जो है ना अभी के लिए जस्ट बैग ही उठाते हैं और बैग से पहुँच जाते हैं। इसमें डालते हैं जी अपनी प्रो बुक, ये रही हमारी प्रो बुक, इसको करते हैं जी बंद। तो अभी चलते हैं गुजरात, हमारा जो लैपटॉप था उसे ठीक करवाते हैं और उसके बाद जो है आपको अपडेट करते हैं। जो है लैपटॉप वगैरह देने के बाद हो चुकी रफरी, अभी सीन ये है कि हम आए थे गुजरात बाजार में, थोड़ी सी पैंट शर्ट लेनी थी, तो अभी चलते हैं जी अंदर वो शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो फिर आपको दिखाते हैं साथ। शॉपिंग हो गई थी अभी जो है ना वो गुजरात के मशहूर, आपको पता ही होगा कि गुजरात जो है ना टक्की बड़ी मशहूर है दूध के लिए, तो अभी यहाँ पे आए थोड़ा सा रुख सुधारा। तो फिर अगर मौसम की बात की जाए ना तो यार जब निकले थे तभी बारिश का मौसम बन रहा था, तो अभी जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश कुछ लगी हुई है, तो अभी पीते हैं जी दूध जो कि हमारा रेडी हो चुका है, तो वो खाते हैं जी, देखते हैं जी कैसा है टक्की का दूध। अच्छा भाई अच्छा, मजेगा भाई, मजेदार अच्छा होता है, तो काफी अच्छा है इनका दूध जो है ना वो काफी अच्छा है, मजेदार है, तो आप भी ट्राई करो यार।
देख सकते हो कि वहाँ से फारिग होने के बाद अभी प्लान ये था कि वापस जाके अपना बैग शैग उठाया जाए। तो अभी मैं लैपटॉप शॉप पे आया हूँ तो बारिश में बाहर बहुत ही तेज़ से लग चुकी है और शाम का टाइम भी तकरीबन करीब यार देखते हैं क्या होता है। हमारा तो जो प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक जो है ना वो भी ख़राब चल रहा है, अभी देखते हैं क्या सीन है। यार बारिश वगैरह रुकी थी तो उसके बाद जो है ना वो घर के लिए निकल आए और अभी आप लोग देख सकते हो कि जो मौसम है ना बारिश के बाद बहुत ही लेवल का जो है ना वो बना हुआ है। हबीब भाई आ रहे हैं, शयान भाई है माशाल्लाह से। एक महीने के बाद वापसी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक आपको भी बहुत खैर मुबारक। शयान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। और शयान भाई अस्सलाम वालेकुम। शयान भाई कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से और सब अच्छा। अच्छा असनैन भाई ईद कैसी गुजरी आपकी? बस यार बहुत मजे, अच्छी गुजरी है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक गुजरी हो। तो ले जी अभी चलते हैं क्लास में, फिर आपसे जाके मुलाकात होती है जी क्लास में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे और जहाँ भी होंगे आपस में होंगे। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो वॉच करें और अपने घर में आराम करें बस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।